नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है विधानिया सोमनिफेरा। इसको दोस्तों रूटीन की लैंग्वेज में इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है और डे टू डे लैंग्वेज में ये अश्वगंधा नाम से बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, जिसको कि आप जो देख सकते हैं कि होम्योपैथी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और अश्वगंधा नाम से इसके हेल्थ सप्लीमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको अश्वगंधा क्यों कहा जाता है। दोस्तों, अश्वगंधा एक संस्कृत वर्ड से बना हुआ शब्द है, जिसमें अश्व का मतलब होता है घोड़ा या हॉर्स और गंध मतलब स्मेल, यानी वो मेडिसिन जिसमें से कि घोड़े जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसको जो है अश्वगंधा कहा गया है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मेडिसिन आपको घोड़े जैसी ताकत देती है, इतना एनर्जी देती है, स्टेमिना देती है, इतना आपको मसल बिल्डिंग का या मसल पावर देती है, इसलिए इसको अश्वगंधा नाम से भी कहा जाता है। इसलिए इसको एज ए हेल्थ टॉनिक भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है और हमारे इंडियन मार्केट में बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे हिमालय है, पतंजलि है, जिनके कि अश्वगंधा नाम से मसल बिल्डिंग के लिए भी प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स आते हैं, जो कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं और मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। लेकिन आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अंदर जो अश्वगंधा है, जिसको विधानिया सोमनिफेरा कहा जाता है, इसका क्या यूज है और कौन कौन से मेन सिम्टम्स हैं जो कि हमारी बुक्स में डॉक्यूमेंटेड है। दोस्तों, यहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस मेडिसिन को जो विधानिया सोमनिफेरा है और जो अश्वगंधा नाम से भी हमारी बुक्स में मेंशनड है होम्योपैथी के अंदर, इसको हम विलियम बॉरिक की बुक्स के रेफरेंस से पढ़ेंगे। जो मेन सिम्टम्स है हम वहां से लेंगे, प्लस कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस और बाकी स्टडीज को भी हम साथ में करके और इसको स्टडी करते हैं कि कहां पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम जो कि डॉक्टर विलियम बॉरिक बुक में लिखा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं बुक से, है सच कि क्लिनिकल में लिखा हुआ है वीक मेमोरी। यानी वीक मेमोरी की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, उसी को दोस्तों इन्होंने थोड़ा सा आगे और डिस्क्राइब किया है बुक के अंदर कि इट इज ए ग्रेट मेंटल टॉनिक एंड एक्ट्स लाइक ए मैजिक। यानी दोस्तों, बुक कहती है कि वो लोग जिनको लगता है कि जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, जिनको याद कम रहता है, यानी स्कूल जाने वाले वो बच्चे जिन्होंने कुछ पढ़ा लेकिन थोड़ी देर बाद लगता है कि मैं भूल गया, या घर पे लगा कि मैंने सब कुछ स्टडी कर लिया है और जब एग्जाम देने बैठे तो याद नहीं कर पा रहे, रिकलेक्ट नहीं हो रहा कि मैंने क्या पढ़ा, जितनी मेहनत कर रहे हैं उस तरह से वापस वो अपने आप को रिकलेक्ट नहीं कर पाते, आगे प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, वो लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं और अपने काम में भी कुछ डाटा याद रखना है, फिगर याद रखना है और बाकी की डे टू डे एक्टिविटीज में भी जिनको लग रहा है कि मेरी मेमोरी वीक हो रही है, वो लोग जो कि एडवांसिंग एज यानी एज के साथ जिनको लगता है डिमेंशिया हो रहा है कि मेरी मेमोरी कम हो रही है, वहां पर ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपकी मेमोरी को बढ़ाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि आपका जो ब्रेन का फंक्शनिंग है उसको ये बढ़ाती है। दोस्तों, उसी के साथ इन्होंने विलियम बॉरिक बुक में लिखा है कि इट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर ए स्टूडेंट हु कैन नॉट फिक्स हिज अटेंशन ऑन एनी सब्जेक्ट नॉर कैन मेमोराइज हिज लेसन नॉर एक्सप्रेस व्हाट ही हैज रीड। यानी वो स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने पढ़ा है उसको वापस मेमोराइज नहीं कर पा रहे और याद नहीं रख पा रहे कि हमने क्या पढ़ा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ओवरऑल जो है इस बुक के रेफरेंस से अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वो बच्चे या वो लोग जिनकी मेमोरी वीक हो रही है और जो बार बार याद नहीं कर पाते, यानी उसके अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को बढ़ाती है। उसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये डिप्रेशन की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि वो भी आपकी ब्रेन से लिंक्ड है। यानी वो लोग जिनकी ब्रेन के अंदर जो है कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं या कई बार लाइफ में ऐसे बदलाव होने लगते हैं जिसके कारण आपको एंजाइटी रहती है, आपको स्ट्रेस रहता है, या और उसके बाद कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन या मानसिक अवसाद में रहने लगते हैं, आपका मन उदास रहने लगता है, तो इन सब के अंदर आपको अश्वगंधा जरूर लेना चाहिए और एक बहुत ही अच्छा एज ए टॉनिक ब्रेन टॉनिक वर्क करता है। तो आपने देखा कि आपकी ब्रेन को जो है ये अच्छे मूड में रखती है, यानी एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर लाती है और आपकी मेमोरी को इंप्रूव करती है। दोस्तों, अभी हम इसके आते हैं नेक्स्ट सिम्टम पे। दोस्तों, विलियम बॉरिक बुक में इसका नेक्स्ट सिम्टम लिखा हुआ है इम्पोटेंसी एंड स्पर्मेटोरिया। यानी कि दोस्तों, वो लोग जिनको कि स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है, यानी धात से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो पुरुष जिनको किसी भी प्रकार से दोस्तों धात रोग है, उनके वीर्य से यानी स्पर्म से रिलेटेड कोई तरह की प्रॉब्लम है, या वो लोग जिनको इम्पोटेंसी यानी कि आप कह सकते हैं नपुंसकता किसी भी प्रकार से उनको जीवन में लग रहा है कि सेक्सुअल वीकनेस आ गई है, शारीरिक कमजोरी आ गई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो अपने आप को नपुंसकता की तरफ पा रहे हैं और शारीरिक रूप से उनको लग रहा है कि हमारे पर एनर्जी और स्टेमिना नहीं बची है, सेक्सुअल वीकनेस यानी जहां भी है वहां पे अश्वगंधा बहुत
अच्छी मेडिसिन है। उसी के साथ इसमें लिखा है कि फॉर इंपोर्टेंसी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सेमाइनल डिफिशियंसीज, यानी नपुंसकता और किसी भी तरह की स्पम यानी शुक्राणु और वीर्य से संबंधित, सेमाइनल यानी किसी भी तरह की वीर्य और शुक्राणु से संबंधित कोई भी तरह की अगर कमजोरी है तो उसको ये दूर करती है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि दोस्तों वो पुरुष जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है उसके अंदर भी अश्वगंधा बहुत अच्छी मेडिसिन है। यानी वो पुरुष जो कि अपने आप को किसी भी तरह से इनफर्टिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं, यानी जिनको लग रहा है कि किसी भी कारण से उनको बच्चे होने में दिक्कत आ रही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया है या शुक्राणु जो स्पर्म से रिलेटेड स्पर्म काउंट कम हो गया है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम है, कंसंट्रेशन कम है, इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आपको अश्वगंधा लेना चाहिए, विधानिया सोमनिफेरा लेना चाहिए, यह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों उसी के साथ बुक में मेंशन है कि इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, यानी वो महिलाएं यानी वो माताएं बहनें जिनको कि मेंसेस या पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको मासिक प्रॉपरली नहीं आता है, उसके अंदर भी अश्वगंधा बहुत अच्छी मेडिसिन है, वहां भी आप इसको अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेना चाहिए। दोस्तों उसी के साथ कुछ दूसरे सिम्टम्स जो कि बाकी स्टडीज से डॉक्यूमेंटेड है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों अश्वगंधा हार्ट डिजीज की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल यानी जो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनको नॉर्मलाइज करती है, उनके कंसंट्रेशन को आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल करती है और धीरे धीरे हार्ट से रिलेटेड डिजीजे, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसके अंदर भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में यूज करना है, क्योंकि दोस्तों आपको डोज कितने समय तक लेनी चाहिए, किस क्वांटिटी में लेनी चाहिए और रेगुलरली आपके टेस्टिंग से भी मॉनिटर किया जाता है, ये सब एक डॉक्टर ही मॉनिटर कर सकता है। उसी के साथ दोस्तों वो लोग जो कि जिम वगैरह जाते हैं, जिनको मसल मास बढ़ाना होता है, बॉडी का एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाना होता है, उसके अंदर भी अश्वगंधा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, वहां भी ये यूज की जा सकती है। दोस्तों ये कैंसर से आपकी फाइट के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी वो लोग जिनको किसी भी तरह के कैंसर डिजीज का सामना करना पड़ रहा है उनके अंदर अश्वगंधा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों अश्वगंधा के अंदर जो कैंसर के सेल्स हैं उनको किल करने का एक पावर होता है, ये कैंसर की ग्रोथ को रोकती है, और अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी में कहीं भी कैंसर है, कोई भी तरह की ट्यूमर की ग्रोथ हो गई है, तो उन सेल्स को जो ये बैड सेल्स हैं उनको ये किल करती है, यानी उसकी अगर कैंसर सेल्स बन गए हैं तो उस ट्यूमर को रोकती है और ऑलरेडी है तो उसको भी किल करेगी। दोस्तों उसी के साथ के अंदर वो लोग जो कि डायबिटीज है, जिनका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहता है, उनके अंदर भी अश्वगंधा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करती है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन वगैरह है उसको भी ये प्रॉपर लेवल के अंदर रखती है, तो डायबिटीज के अंदर भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों उसी तरह से अश्वगंधा पैरालिसिस के अंदर भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि आपकी मसल्स को मजबूती देती है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, क्योंकि आपके मसल्स जो है उनको टोन करती है, तो वो लोग जिनको पैरालिसिस हो गया है या वो लोग जिनको पैरालिसिस का रिस्क है, अगर वो लोग अश्वगंधा लेते हैं तो उनकी मसल्स को एनर्जी और स्टेमिना देती है। दोस्तों उसी के साथ ये तो हो गया कुछ इंडिकेशन सिम्टम्स जहां पे अश्वगंधा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, बट वो लोग जिनको अश्वगंधा बहुत केयर से लेना चाहिए या मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में लेना चाहिए वो भी मैं बताता हूं। दोस्तों सबसे पहली बात, वो लेडीज यानी वो महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं, जिनको यानी बच्चा होने वाला है, गर्भवती हैं आप कह सकते हैं, या वो माताएं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है यानी ब्रेस्ट फीडिंग है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको जो है अश्वगंधा या तो नहीं लेना चाहिए, या अगर किसी भी डिजीज में लेना चाह रहे हैं तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें। आप अगर आयुर्वेदिक ले रहे हैं तो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर के गाइडेंस में इस मेडिसिन को लिया जाना चाहिए। दोस्तों उसी तरह से वो लोग जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यानी आप कह सकते हैं गठिया या वात से संबंधित बीमारी है, जिनको ल्यूपस है, जिनको डायबिटीज है यानी शुगर जिसको रूटीन में कहा जाता है, या ब्लड प्रेशर या हार्ट से रिलेटेड कोई तरह की आपके मेडिसिन चल रही है, आपको हसीमोटा डिजीज है, इसी तरह से अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको स्ट्रिक्टली डॉक्टर के गाइडेंस में ये मेडिसिन ली जानी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी रूटीन में क्या डोज देते हैं। दोस्तों अश्वगंधा जो मदर टिंचर है एज पर बुक विलियम बोरिक, इसकी 5 ड्रॉप्स आपको एक बार लेने चाहिए, यानी ये जो मदर टिंचर होता है इसको आप एक चाय पीने वाला कप लीजिए, उसमें 5 बूंद ही आपको जस्ट ये मदर टिंचर लेना है, फिर उसमें आधा कप गुनगुना पानी यानी ल्यूकवार्म वाटर जो होता है, गुनगुना या हल्का गर्म पानी आप बोलते हैं वो मिक्स कर देना चाहिए, और छोटी छोटी बूंद जैसे गर्म चाय वगैरह आप पीते हैं, धीरे धीरे सिप बाय सिप आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों अश्वगंधा कौन सी कंपनीज का अवेलेबल है हम बात करें, यहाँ हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं जिनका अवेलेबल है, आपको इसमें जर्मन ब्रांड्स भी मिल जाते हैं और इंडिया की अच्छी कंपनीज के भी मिल जाएंगे, तो आप नेट में या अपने पास के अंदर होम्योपैथिक स्टोर या डॉक्टर के पास जाके कॉन्टैक्ट करके उनके गाइडेंस में डिस्कस करके इसको ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज जो मैंने अश्वगंधा पे आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।